नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे टमाटर की कुछ नए तरीके से चटनी। तो देखिए, सबसे पहले हम टमाटर को कढ़ाई में डाल देते हैं, उसमें डालेंगे पानी और उसमें साथ में डाल देंगे मिर्ची, उनको उबलने के लिए रख देंगे। देखिए, इधर मैंने अदरक लहसुन और धनिया ले लिया है, उसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक हल्का सा और इसको उबलने के लिए रख देंगे। इससे क्या होता है, हमारी चटनी बहुत टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनती है। तो देखिए, इधर मैं सिलबट्टे का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मिक्सर ग्राइंडर मैसर किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने अपने धनिए को सिलबट्टे से बांट लिया है। इधर मैं अपने टमाटर भी चेक कर लेती हूँ, मेरे टमाटर भी बहुत बढ़िया देखिए इस तरह से उबल चुके हैं और मेरी मिर्ची भी बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता चटनी का और बहुत ही यम्मी लगती है। तो देखिए, इधर हम अपने टमाटर को भी अच्छे से गर्म में भी अच्छे से छील लेंगे। और देखिए, इधर मैं अपनी मिर्ची को साथ में धनिया और इसके साथ बांट देती हूँ, मतलब पीस लेती हूँ। और देखिए, इधर मैं अपने टमाटर को कट करके आराम से अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो बहुत अच्छी चटनी बनेगी। इस तरह इनको भी अच्छे से मसलते हुए सिलबट्टे की मदद से हेल्प से यानी मदद से पीस लेती हूँ। देखिए, इतनी यम्मी बहुत ही टेस्टी मेरी टमाटर की चटनी बनकर तैयार है। आप भी इस तरह से बनाइए, खाइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।